गाइस बीजीएमआई फिर से बैन हो चुकी है, इस पबजी फिर से बैन हो चुकी है इंडिया में। तो अब गुड मॉर्निंग गाइस, रात को थोड़ा सा ना सीन हो गया एक्चुअली। यार नेटफ्लिक्स चलाते हैं ना तो फोन साइलेंट हो तो वो नेटफ्लिक्स की वजह से ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, नोटिफिकेशन ना ऊपर शो नहीं होती। तो वो फोन आए जा रहे थे, मूवी शूवी देख ली तो उसके बाद मैं सो गया नींद में ही मूवी देखते देखते। तो अभी सुबह उठ के देखा तो 10-15 फोन आए थे। क्या फोन थे, क्या सीन था बताता हूँ। पहले उठता हूँ एक बार और मम्मा भी आ जाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मम्मा को गए हुए आज 2 दिन हो गए हैं और दिक्कत इस बात की नहीं कि मम्मा गए हैं, दिक्कत इस बात की कि 2 दिन से मैं ढंग से खाना नहीं खाया। तो मम्मा प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। वैसे आज मम्मा वापस आ रहे हैं, आज मैं सोया हुआ था सुबह तो मम्मा का कॉल आया कि भाई साहब किधर, मैंने कहा सोया हुआ, कह रहे उठ जा फिर फटाफट से, आ रही हूँ मैं और घर साफ होना चाहिए। वैसे तो साफ ही पड़ा है पर मेरी मम्मी की नजरें ना थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की हैं, उनको चाहिए बिल्कुल हार्डकोर सफाई कि अगर छोटी सी चीज भी दिखी ना ओ भाई साहब मेरा घर गंदा हो गया। तो ऐसे वाला सीन है। अभी देखता हूँ उनको एक बार फिर से फोन करता हूँ, रास्ते में है वो, क्या बता उनको लेने जाना पड़े बस स्टैंड, ब्रेकफास्ट भी करना है पर अब सोच रहा हूँ मम्मा आ रहे तो बना ही देंगे। ये देख लो गाइस, घर की टाइलें साफ हो गई, इसका मतलब आ चुके हैं द बिग बॉस। ये रे जी हमारे बिग बॉस आ चुके हैं वापस, सफाई करने में बिजी। दोस्तों ये देखो कौन वापस आया है, कौन हुआ आप हमारे घर में कैसे घुसते हैं। अभी कुं कुं कर रहा है ना ये, जब भी तो छत पे आएगा ऐसे ही करेगा, अब खड़ा रहेगा ऐसे देखता रहेगा। देख ये देख, वो देख वो दूसरा पार्ट देख रहा है। मुझे डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ इनसे, देख तेरे मारेगा सिर पे भी। भाग क्यों रहा है, भगाना उसको यार, दो एक दो में उड़ा ले जाएंगे मेरे को। तेरे को नहीं उड़ाएंगे यार, वो तो सुना गप तो सुना परसों वाली जो तू रात को आया था। अच्छा ये बंदा इतना जलील बनता है ना, इसका जैसा जलील कहीं देखोगे नहीं आप। वो ये यहाँ पे, यहाँ से इस बंदे को मैंने वहां के लिए आवाजें मारी हैं, आधा घंटा घंटी भी उसमें आवाज मारी है, बंदे ने आवाज तक नहीं सुनी, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे मेरी मेरी बात सुनो, चल ठीक है, वैसे बड़ों को तो बात पता नहीं है पर जो हमारी उम्र के उनको पता है। अब मेरी बात सुनो यार, खिड़की पूरा मुला सुन के यार, खिड़की बजा बजा के मैंने यार गाइस मेरी बात, वहां पे चल रही थी मूवी 365 और वो पता कौन सा वाला सीन, वो जो बोट वाला सीन है ना, जो वो पहली बार उसको हाँ करते मेरी आपके बोर्ड के चक्कर में मैं मूवी देख रहा हूँ घर पे, वही था मम्मी पापा थे नहीं घर पे, यूट्यूब से मेरे को ताला तोड़ना पड़ा भाई, घर पे वही था नहीं, मैं देख रहा हूँ मूवी आराम से एयरफोन फुल करके वॉल्यूम में, भाई साहब आई खिड़की बजा रहे हैं बाहर आधे घंटे से, वो भी ये नहीं कि एक दो आवाज मारी होगी, मैंने आवाज मारी साइलेंट खिड़की बजा बजा के, नितिन भैया नितिन भैया नितिन भैया सुनते हैं बेचारे ने। फिर शाम को इसकी चाबी पड़ी थी मेरे पास, चाबी इसने फिर ताला तोड़ दिया ये वाला, पर चलो कोई नहीं, इसलिए कहते हैं भाई हेडफोन लगा के मत बैठा करो रात को, और वो भी फुल वॉल्यूम में, पता लगे हैप्पी मर जाता, सुबह में उठता ही लास्ट इसकी पड़ी हो ये तो हैप्पी है। चलो यार जिम भी जाना है, 4 दिन हो गए जिम के, आज मम्मा और आए हैं, आज अच्छा खाना है तो आज जिम भी जाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ जिम। यार कुकुओं को भगाना पड़ेगा साले, पहले एक ही हाथा पता है अब दो आते हैं छत पे, हाँ पता नहीं मैं 2-4 दिन से आया तब से कुकुए घूम रहे होते छत पे, ऊपर इनका ये भी है ना घोंसला, ऊपर मत आया करो आप, ऊपर आते हो कुवे ऊपर आते, अभी तक कोई कुवा नहीं था। मैं ये लोगों के घर पर बात कर रहा हूँ जो ये डर रहा है मेरे से, कुवे की गर्लफ्रेंड चुरा लिया मैंने। सो गाइस अभी फटाफट से एक बार कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद निकलते हैं जिम। जिम के भी 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा सीरियस होते हैं फिर से, रेगुलर जा रहा हूँ मैं पिछले 1.5 महीने से जिम, मजाक के बिना, थोड़ी तुम्हें बॉडी दिख रही होगी, ओह नहीं सॉरी इग्नोर कर दो। द गैंगस्टर इज बैक, ये देख रहे हैं भाई साहब, ये देख रहे हैं वैसे थीम मस्त है वाली, फिर अभी जिम अपनी हो गई है और एक ना मोचू सा सीन हो गया, अभी क्या हुआ चलो घर जाके बताता हूँ, देर आती हो गई आज काफी लेट हो गया हूँ, पर आज 2 एक्सरसाइज मारी तो मजा आ गया काफी, अभी शोर आने वाली है तो आ जा नहीं दरवाजे से, बाहर अंधेरा हो गया, अभी निकल रहा हूँ घर पे, और एक मौजू वाले बात बताता हूँ क्या हुआ, अभी गलत ही सीन हो गया था, घर जाके बताता हूँ आराम से। मामा मैं आ गया, तो एक मौजू सुनाता हूँ अभी जिम में क्या हुआ, इसको पकड़ो बताता हूँ, अभी क्या हुआ मैं मार रहा था एक्सरसाइज, आपको बता रहा हूँ आप सुनो उधर के देख रहे हो, मैं एक्सरसाइज मार रहा था तो मैं हाथ डंबल था तो ऐसे ऐसे मार रहा था, तो भैया आए पीछे से बर्फी का डब्बा लेके मेरे दोनों हाथ ऐसे, ठीक है, तो मैंने देखा मैंने क्या हुआ से था, मेरे मुंह में वो रसगुल्ला और मैं डंबल लेके ऐसे खड़ा हूँ और मुंह में रसगुल्ला खड़े ऐसे। यार पता नहीं बर्थडे किसी बेटा हो ऐसे में समझ नहीं आई, तो जिम में आजकल बिल्कुल ही पारिवारिक माहौल बनाया था उन्होंने, तो हाँ गिरा तो मुझे पैर लगा के ना यहीं से तोड़ो डांस डांस
ये देख लो भाई हमारे रिटायर्ड फौजी साहब, क्या हाल है सर? हो गया काम आज? वो एक काम करना पड़ा वो बिजली वाला, तभी ऐसी हालत है। तो इनके पसीने क्यों निकल रहे हैं? अच्छा मेरे आने से पसीने निकल रहे हैं क्या? कोई नहीं डर मत, कुछ नहीं कहूंगा आज। आनी तो है लो भाई, आज खाऊंगा कोई चार दिन बाद अच्छा खाना। दिन को बनाया था मम्मी ने, पर वो उससे अच्छा बाहर का ही खा लेता। इतनी घटिया सब्जी बनाई थी, ना मैंने खाई ना पापा ने। इस औरत ने केले डाफे हैं वो 4 किलो चावल, पेट देख के समझ ही गए होंगे आप। ये देख लो भाई भद्रवाह से आने का नतीजा। इस मौसम में पहाड़ों से आओ तो फ्रूट ही फ्रूट मिल जाते हैं वहां पे। ये कहाँ से लाए? घर से कि मामा जी के घर से? अपने घर से। चलो सही है, अभी नहा लेता हूँ। एक बार पहले नहाए हुए 2 दिन हो गए आज, सही में 2 दिन हो गए हैं। काफी दिनों के बाद कड़म की सब्जी और चपाती। गाइज BGMI फिर से बैन हो चुकी है, इस पबजी फिर से बैन हो चुकी है इंडिया में। तो अब हमारा सारा फ्यूचर जो खत्म हो चुका है स्पोर्ट्स का, अब तो मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स कभी ग्रो पाएगा। पर चलो ठीक है, गवर्नमेंट की डिसीजन S20 जो भी है सीन अच्छा ही बैन है। वैसे लोगों का फ्यूचर बच रहा है, बच्चों का पूरा दिन गेम खेलते रहते थे, खास करके मेरा भाई वो तो पूरा दिन गेम खेलता था। पर चलो ठीक है, अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह। आज का दिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा बोरिंग कर दिया मैंने। कल से मैं सोचूंगा कुछ अच्छा कंटेंट लाने की। गलती ब्लॉग तो चलो साथ साथ चलते रहेंगे, पर कुछ अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए जिसको देखने लायक हो, क्योंकि आप तो मुझे जानते हो, पर जो नहीं जानते वो क्यों ही क्लिक करेंगे वीडियो देखने के लिए, और व्यूज गिरते जा रहे हैं। चलो मिलते हैं कल अच्छी वीडियोज के साथ। बाय बाय।